एशिया की सबसे बड़ी नगरपालिका पीथमपुर में कांग्रेस पार्टी की परिषद बनने के बाद आज अध्यक्ष के चुनाव होना थे। कांग्रेस के पास जीते हुए 17 पार्षद तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 13 पार्षद सहित एक निर्दलीय उम्मीदवार था। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के पास 14 पार्षद थे, वहीं कांग्रेस के पास करीब 17 पार्षद एक तरफा वोटिंग के बाद कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष रूप में 72 सुरेश पटेल को अधिकृत उम्मीदवार बनाया गया था, जिसे मतदान के दौरान 16 वोट मिले हैं। वहीं एक वोट निरस्त हो गया तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अशोक पटेल को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया था, जिन्हें 14 वोट प्राप्त हुए। इस तरह दो मतों से कांग्रेस की 72 सुरेश पटेल नगरपालिका अध्यक्ष के पद पर काबिज हुई। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के पप्पू असोलिया और भाजपा से अर्चना रंजीत भंडारी को प्रत्याशी बनाया गया था, जिसमें कांग्रेस के पप्पू असोलिया को 17 वोट, वहीं अर्चना रंजीत भंडारी को 13 मत प्राप्त हुए, जिसमें पप्पू असोलिया को नगरपालिका उपाध्यक्ष पद पर विजय घोषित किया गया। वहीं इस जीत पर बाल मुकुंद सिंह गौतम ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कांग्रेस से भाजपा में गए लोगों को निशाना बनाते हुए कहा कि हमारे यहां दो पनौतियां थी और दोनों चली गई, वहीं आगे क्षेत्र में लगातार विकास कार्य करने की बात कही। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। उसका हम धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं और सम्मान करते हैं उनका, और ये जीत पूरे पीथमपुर क्षेत्र की जीत है, सारे कांग्रेस कार्यकर्ता हुई थी। पीथमपुर भाजपा का गढ़ माना जाता था और वहाँ पे आपको बहुत बड़ी खेल होता है, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? पीथमपुर भाजपा गढ़ नहीं है, जनता ये कांग्रेस का गढ़ है और यहाँ पर कुछ थी पनौतियाँ। एक पनौती चले गई 5-6 साल पहले, एक अभी लेटेस्ट गई है, दोनों पनौती वहाँ पहुँच गए, दोनों जूते जो है पहुँच गए वहाँ पे। अब कांग्रेस को यहाँ कोई हरा सकता है? हमेशा कांग्रेस भारत यहाँ से जीते। सर आप पनौती का बार बार नाम लेते हैं, आखिर कौन है ये पनौती जो अब कांग्रेस से भाजपा में गई है? तुम वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है? हमारा सोच और हमारा विजन ये है सिर्फ विकास और विकास, और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के हम पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे। जो अभी तक 5 साल में आपने देखा भ्रष्टाचार इस देश के अंदर घुस नहीं पाएगा, जो होगा शिष्टाचार से होगा और जो होगा अपने मिलकर काम करेंगे और हम विकास करेंगे। विकास हमारा ध्येय है, देश है हमारा। ये बातें सब बात की है, हम तो पहले सबसे पहले हमारा काम रहेगा हम विकास कैसे करें और भ्रष्टाचार जो करना होगा नहीं करना बात की बात है, कि वो उजागर करेंगे नहीं करेंगे बात की बात है। अभी तो हमारा एक उद्देश्य ही विकास करना है, घोषणा पत्र की सेवा करना। भाजपा की मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की और ये एशिया का डेट राइट है, तो किस तरीके से आप यह काम कर पाएंगे? जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार ने भी इन्वेस्टर मीट की थी और उनके सबसे बड़ी बात है कि ये जो फर्जी बना है ये उजागर हो चुका है सरकार का, और जनता ने उस चीज को देखा है। कई बार इन्वेस्टर मीट हुई, हजारों करोड़ रुपए का प्रबंध दिया गया है, लेकिन वो जमीन पे कुछ नहीं है, क्योंकि जनता ने आज मध्य प्रदेश सरकार को दिखा दिया है और 2023 में हमारी सरकार बनने जा रही, कमलनाथ की सरकार बनने जा रही 2000%। थैंक यू। चलो एक बार नारे वारे। लोगों ने वोट दिया और सपोर्ट किया, आगे भी चल के और अच्छा विकास करेंगे, जो नहीं हुआ है वो सब करेंगे। क्या मानते हैं आप कि कांग्रेस को इसके आपकी पत्नी के जीतने से बल मिलेगा या क्या है? कार्यकर्ताओं को भी बल मिलेगा और हर वार्ड को पूरा सपोर्ट करेंगे, काम करेंगे, पार्टी को भी भयंकर बल मिलेगा। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुरेश पटेल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।